सरकार का आदेश था कि 30 नवंबर तक प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में नौनिहालों को स्वेटर की व्यवस्था करा दी जाएगी, लेकिन अधिकारी सरकार के आदेश पर खड़े नहीं उतर रहे। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जनपद के सरेनी क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों में देखने को मिला, जहां बच्चे ठंड के ठिठुरन से ठिठुर रहे हैं। अधिकारी पूरी तरह मौन साधे बैठे हुए हैं कि सरकार की स्वेटर वितरित होने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। इसके बावजूद भी जनपद रायबरेली का प्रशासन 9 दिसंबर तक स्वेटर वितरित नहीं करवा सका। इसे जनपद के प्रशासन की लापरवाही ही कही जाएगी। इतनी कड़कड़ाती ठंड में नौनिहाल स्वेटर के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें, सरेनी बसावन खेड़ा प्राथमिक विद्यालय सहित बच्चों को अभी तक स्वेटर की व्यवस्था नहीं कराई गई, जिससे बच्चों को ठंड से जूझना पड़ रहा है। ठंड के मौसम में बच्चों को प्लास्टिक की पट्टी पर बैठना पड़ रहा है। सोमवार को आईपीएन की टीम जब सरेनी के प्राथमिक विद्यालयों पर पहुंची तो वहां पर बच्चे बिना स्वेटर के मिले। बच्चों से बात करने पर बच्चों ने बताया कि अभी तक हम लोगों को स्वेटर नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है कि 2 से 3 दिन में बच्चों को स्वेटर की व्यवस्था करवा दी जाएगी। रायबरेली से हर्षित त्रिवेदी के साथ ललित तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है? अनिकेत। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? कक्षा 4। अभी स्वेटर वितरित नहीं हुआ आपको? अभी स्वेटर नहीं मिला है? कब बोले, कब देंगे? नहीं पता? रित्यूस। किस क्लास में हो? 4 में। आपको स्वेटर नहीं मिला अभी? कब मिलेगा बताया सर ने? कब? आने ही वाली है। अच्छा, ठीक है।